सोमवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सैयद जमाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कठुआ और उन्नाव में हुए जघन्य हत्याकांड के खिलाफ गोलघर स्थित गांधी प्रतिमा से कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध व्यक्त किया है। कठुआ और उन्नाव में हुए जघन्य हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च का आयोजन गोलघर स्थित श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा से आरंभ होकर महात्मा गांधी के मूर्ति पर जाकर संपन्न हुआ। इस मौके पर जिला कांग्रेस पार्टी के समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों सहित महिला कार्यकर्ताएं भी मौजूद थीं। कैंडल मार्च का आयोजन जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद जमाल ने कहा, कठुआ जम्मू में और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जो जघन्य कांड हुआ उसके विरोध में जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत ही दुख का विषय है। सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं, मदमस्त हाथी की तरह चल रहे हैं। जो कोई उनको रास्ते में मिल जा रहा उसको रौंदते हुए उसकी इज्जत और अस्मत को अपने पैरों तले अपने घमंड के नीचे रौंदते हुए आगे बढ़ते चले जा रहा है। उनको ये मालूम नहीं है कि जनता की इज्जत के साथ जनता के मनोबल के साथ जो खिलवाड़ करेंगे तो जनता की भावनाएं जब अंगड़ाई लेंगी 2019 के चुनाव में तो इनका सारा नशा काफूर बन जाएगा, हवा में उड़ जाएगा और ऐसे औंधे चित्त गिरेंगे कि इनको चारों दिशाओं का ज्ञान भी भूल जाएगा। किस दिशा में हमें जाना है इनकी समझ में नहीं आएगा। तो उन भाजपा नेताओं को सबक सिखाने के लिए हाथों में मोमबत्तियां लेकर कैंडल लेकर हम जम्मू में जो 8 साल की बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, मार डाला गया, उसकी आत्मा की शांति के लिए, और उन्नाव में जो जघन्य अपराध किया गया भाजपा द्वारा, उन नेताओं के खिलाफ कड़े से कड़ा दंड तत्काल प्रभाव से देने की मांग करने के लिए निकले हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी कैंडल मार्च में हिस्सा लिया था। रात में 12 बजे उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए हम लोगों ने भी कैंडल मार्च का आयोजन किया है। और मैं बताना चाहता हूँ गोरखपुर के अंदर आपके माध्यम से गोरखपुर की जनता को कि राहुल गांधी के बुलंद हौसले के साए में कांग्रेस का एक एक सिपाही इन तानाशाह भाजपा नेताओं से दो दो हाथ करने के लिए हर क्षण तत्पर है। हम मुकाबला करेंगे, जनता की इज्जत आबरू की रखवाली करेंगे, महिलाओं और बच्चियों को इनके कोपभाजन से बचाएंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर शांति व्यवस्था को, आपसी समरसता को, आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, इनका बहुत नारा चल रहा है बेटी बचाओ। कुछ लोग अब कहने लगे हैं कि भाजपा की सरकार जैसे ही बनी थी तो जो उनके सर्वोच्च नेता हैं जो कहते हैं कि अंबेडकर जी के कारण हम प्रधानमंत्री बने, जब वो जहां जाते हैं उसी को कारण बना लेते हैं। अंबेडकर जी की जयंती पर जाएंगे तो कहेंगे अंबेडकर जी के कारण मैं प्रधानमंत्री बना। बनारस जाएंगे तो कहेंगे मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, ना किसी ने भेजा है, गंगा ने आवाज़ दी तो मैं यहाँ चला आया।
मुझे बनारस ने प्रधानमंत्री बनाया है, इनको किसने किसने प्रधानमंत्री बनाया, किसके किसके ये बेटे हैं, किसकी किसकी रखवाली करेंगे, कुछ समझ नहीं आता। इन्होंने कहा बेटी बचाओ, तो हम लोगों ने समझा भाई बड़ा योग्य प्रधानमंत्री मिला जो बेटियों की सुरक्षा के लिए इन्होंने नारा दिया। लेकिन अब जनता के समझ में आ रहा है इन्होंने बेटी बचाओ क्यों कहा था, कि अब भाजपा के नेताओं से अपनी अपनी बेटियों को बचाओ, उनको घरों में सुरक्षित रखो, उनको बाहर मत निकलने दो, पढ़ने लिखने से रोक दो, क्योंकि ये भाजपा की जो मनोवृत्ति है ये महिला विरोधी है, ये महिला को समानता का अधिकार नहीं देना चाहते हैं, इसलिए अपनी अपनी बेटियों की सुरक्षा अब भारत की जनता को, भारत के हर माता पिता को खुद करना पड़ेगा इन भाजपा नेताओं से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।